निकले क्या चक्की ने पिछले साल आए चलो भी कुछ की और जल्दी होना। इस लड़के को आप देख सकते हो होली मना रहा है, तो इसको पूछते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो भाई होली क्यों मनाई जाती है यार बताना। पता नहीं है भाई ऐसे मना रहे होली। तो गाइस यहाँ पे एक और पुस्की बम करने वाला है बंदा। ओ शर्मा मत यार। सभी को बता देता हूँ होली क्यों मनाई जाती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। ये राजा देवताओं से काफी नफरत करता था और अपने आप को ही भगवान मानता था। पर इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। पर ये अपने पापा की आज्ञा का पालन नहीं करता है और भगवान विष्णु को मानता है। ये देख के उसके पापा को काफी गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को मारने का हर प्रयास किया पर हर बार उसे भगवान विष्णु ने बचा लिया। उस राजा की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को वरदान था कि वो आग में कभी जल नहीं सकती और वो प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाती है। पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता है और होलिका वहाँ ही भस्म हो जाती है। बुराई पे अच्छाई की जीत होने के कारण इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से नफरत खत्म करके एक दूसरे के साथ खुशियों से त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला ही धमाका होली का खराब हो चुका है। यहाँ पे हमारे लड़कों ने लाए थे ये बम, कहाँ से लाए गए दुकान का नाम बताया जाए। जनता माफ नहीं करेगी। तो गाइस यहाँ पे एक और फुसकी बम करने वाला है बंदा। ओ शर्मा मत यार। कुत्ती गाइस होगा। हेलो हैप्पी होली आप सभी को। तो गाइस यहाँ पे ये लड़के हमें गुब्बारे मार रहे हैं पानी के, भागो। तो गाइस इनके निशाने नहीं है अच्छे क्योंकि भाई मैं हूँ बाजीगर। तो गाइस ये मारने नहीं आ रहे हैं, ये जो होते हैं गुब्बारे। तो गाइस तो गाइस पछाड़े बहुत जोर जोर से मार रहे हैं। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। तो होली के दिन काफी लड़ाइयां भी होती हैं। तो ये मरते हैं सामने आप सब देख सकते हो बिल्कुल बाजी करती। A few moments later मेरी शर्ट सी भी गंदी होगी। तेरी शर्ट हैप्पी होली ठीक तो लग गई है। हैप्पी होली हैप्पी होली। ओए आखिच मत फा मेरी, क्या खींच पा दी। ओए तेरे कन्ना ही बड़े गए रंग तो क्या नाचो मैं। अभी गाइस आप देख सकते हो ये लगा रहे हैं। Bye.
यार फाइनली मैंने इनको टीका लगाने को बोला यार, इन्होंने मेरा टीका ही बना दिया। तो होली तो सभी धूमधाम से मनाते हैं, पर उसके बाद घर वालों को यार थोड़ा रोना पड़ता है, क्योंकि यार बहुत सारे कपड़े होते हैं और इनको आई थिंक धोना बहुत कठिन होता है, और शायद आधे बंदे तो जला ही देते हैं इनको यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं यार, ओ भाई साहब ये।